सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के रसायन विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर SP खटकड़ ने कहा कि गुणवत्ता परक शोध के माध्यम से हमारे राष्ट्र का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन होता है। हमारे देश का भविष्य युवा शोधकर्ताओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल प्रतिभा को तराशने की। प्रोफेसर कटखड़ दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में बायोमेडिकल इंजीनियर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने की। प्रोफेसर खटकड़ ने कहा कि विज्ञान का मानव जीवन में अहम योगदान है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुगम और सरल बनाने में अहम योगदान दिया है। विज्ञान को हम भौगोलिक सीमाओं में बांधकर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि जिन देशों में शोध बेहतर हुए वहीं राष्ट्र आगे जाकर विकसित राष्ट्र बने। हमारे युवा शोधार्थी आने वाले कल में देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। साइंस डे 28 फरवरी को हम पूरे देश में CV रमन हमारे जो साइंटिस्ट रहे उनके उसमें मनाया जाता है, और इस साइंस डे का उद्देश्य मनाने का यही है कि हम यंग स्टूडेंट्स, हमारे यंग रिसर्चर्स को ये मैसेज दे सकें कि हमारे साइंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसी उद्देश्य को लेकर सभी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, विश्वविद्यालयों में डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करके लाइक साइंटिफिक क्विज कंपटीशन और पोस्टर प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स फ्रॉम दी डिफरेंट सीनियर टीचर्स साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई विश अ वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर दी कमिंग साइंस डे दैट इज ऑन 28 फरवरी। थैंक यू। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग ने 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में 170 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पेपर भेजे और 150 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने पेपर प्रेजेंट किए। इसके साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्री सेक्टर से इनवाइटेड स्पीकर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी डिफरेंट टेक्निकल सेशंस में एड्रेस किया पार्टिसिपेंट्स को, और पोस्टर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के जज किए गए, और साथ के साथ प्रोसीडिंग भी इस कॉन्फ्रेंस की ISBN नंबर के साथ पब्लिश की गई है। ये डिपार्टमेंट के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए सौभाग्य की बात है इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, और साथ में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मनोज धून, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, आवर वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र अनायत एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर RD कौशिक टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज सच कॉन्फ्रेंस टू द डिपार्टमेंट। सर्कल साइंस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर डीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी हियर टू हैव एमेरिटस प्रोफेसर साइंटिस्ट सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर SP खटकर हियर टुडे टू बी ए पार्ट ऑफ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो टू बिगिन अवर National Science Day. The National Science Day is celebrated tomorrow. So we started it with all the wishes from him for the memory of our senior professor and scientist C.V. Raman. All over the nation we celebrate National Science Day. And we will have many more programs tomorrow. And today I am once again expressing my sincere thanks to Professor Saab for coming here and being a part of us and blessing our students, budding researchers and colleagues.